ये दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स जो युवाएं लेते हैं उन पे क्या असर है? साइड इफेक्ट। हाँ, साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट तो सबको है, ब्रॉडवे में भी है, दूध में भी है। देखिए आप समझने की ट्राई कीजिए, युवाओं में क्या प्रॉब्लम है। मेरे लिए चाहिए था कि हर कोई भी वहां नहीं रहे, क्योंकि ये पैरामीटर कोई नहीं बताएगा। अभी जिसकी जैसी दुनिया थी, समझने की कोशिश करो। पहले जैसे मैंने बताया, आधा डजन तो हर किसी को होता था, भाग्य कोई था जिसको बच्चे कम होते थे या नहीं होते थे। आज बच्चे होते ही नहीं है, पढ़े लिखे होने के बावजूद बच्चे नहीं होते हैं। प्रॉब्लम स्त्री में भी है, पुरुष में भी है, दोनों में है। इनके स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, इनके एग्स कम हो जाते हैं, फर्टिलिटी कम हो जाती है, और दुनिया भर के जो गायनेक प्रॉब्लम है, मेल्स को जेनेटिकल प्रॉब्लम है, प्रीमैच्योर इजेकुलेशन होता ही है, नाइट डिस्चार्ज होता ही है। ये सब नो सपनों में हो जाता है, जो पुरुष में होता है वो स्त्री में भी होता है। उनकी भी विकार वासना पे कोई काबू नहीं है, और आज फ्रीडम के नाम पे माँ बाप कोई रोक भी नहीं सकते हैं, टोक भी नहीं सकते हैं। हो गया तो हो गया, उसमें क्या। गलत शिक्षण, गलत खुराक, गलत लाइफस्टाइल, तीनों गलत, उसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम युवाओं को है। किसको ज्यादा है? युवाओं को। लेकिन बताएं तो किसको बताएं, कौन सुनेगा? माँ बाप को तो बता नहीं सकते, दोस्तों को बताएंगे तो दोस्त और उलझ जाएंगे, उसको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, उसकी बंकस भी उड़ा सकते हैं। फिर ऐसे ही कोई ये जो है ना, रास्ते वाले, सड़क वाले डॉक्टर हकीम के पास चले जाते हैं, वो गुमराह कर देते हैं, डरा देते हैं, परेशान कर देते हैं, और फिर ये गोली, ये जड़ी बूटी, ये वो वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या फायदा, ये वो वगैरह वगैरह के चक्कर में चल जाते हैं। बहुत बड़ा भ्रम चल रहा है, उनके पास राइट गाइडेंस ही नहीं है, वो भी दवाओं और जड़ी बूटियों के चक्कर में फंसते हैं, थक जाते हैं। बहुत कॉमन चीज है, 30-35 साल की उम्र में डायबिटीज आज कॉमन हो गया, बीपी कॉमन हो गया, ओबेसिटी तो दिखती है, एसिडिटी एक कॉमन प्रॉब्लम है। लिव इन रिलेशनशिप्स कॉमन हो चुका है, क्यों? त्याग समर्पण जैसा है नहीं, पुरुष भी इंडिपेंडेंट है, स्त्री भी इंडिपेंडेंट, ये भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, तेरी क्या जरूरत है अभी मुझे, आई कैन मैनेज माय सेल्फ। अभी जो है हमारी विकार वासना की पूर्ति के लिए हम लोग साथ में रहेंगे, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज कब तक चलेगा? 35-40 साल की उम्र के बाद में जब शरीर साथ नहीं देगा, तभी वो उसका साथ छोड़ देगा, कोई और ढूंढ लेगा। तो युवाओं के प्रॉब्लम भी उतने ही हैं। मैरिज बाहर के संबंध कितने हैं, है कि नहीं? कॉमन है, क्योंकि तृप्ति नहीं होती है। 24 घंटा विकार वासना, उसमें मीडिया इतना इफेक्ट करती है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतना इफेक्ट करती है, यूट्यूब इतना इफेक्ट करती है, और अंदर से इतना प्रोवोकेशन आता है, हर कोई गलतियां करता है। संबंध रखते हैं, दो दो तीन तीन बीवियां, कॉमन हो चुका है, लीगल नहीं इलीगल की मैं बात कर रहा हूं,
सबका हो रहा है, तो हमको पूरा भी आजकल दफ्तर नहीं। तो ये जो स्लिपरी मार्ग है उसमें डाइट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आप डाइट चेंज करके देखो, आपको इतनी इच्छा ही नहीं होगी, गलत सोचने का टाइम ही नहीं है, गलत विचार भी कम आएंगे, है तो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और ये 25-30 साल की उम्र से ये जो बीमारियों का चक्कर लगा है, आपको 35-40 की उम्र में तो नाकामयाब बना देगा। वास्ता जुआन है और शरीर साथ नहीं देती है तो उसका शोषण करने वाले पूरी डॉक्टरों की टीम बैठी है, तो सेक्सोलॉजिस्ट बोलो, ये बोलो, गायनेकोलॉजिस्ट बोलो, ये वो गुमराह करते रहते हैं, चलाते रहेंगे महंगी महंगी दवाइयां और ये वो ट्रीटमेंट्स वगैरह चल रहा है। आपकी कमजोरियों का लाभ उठाने के लिए हर कोई बैठा है। तो युवाओं है, प्रौढ़ है, पैसे तो बहुत कमा लिए, धंधा अच्छा किया, अच्छा सा घर हो गया, गाड़ियां हो गई, प्रॉपर्टी हो चुकी, अब ये पैसे से क्या करेंगे, क्या करेगा वो? वो भौतिक सुख की मांग के लिए बाहर जाएगा, अनैतिक संबंध बनाएगा। हो रहा है कि नहीं आज के समाज में, सभ्य समाज में हो रहा है कि नहीं? पढ़ा लिखा है, कहते हैं धार्मिक है, लेकिन धार्मिक वाले को भी कोई कंट्रोल नहीं है अपने पे। गलत खुराक लेंगे तो ये सब चीज का महत्व होगा ही। गलत खुराक, गलत लाइफस्टाइल। और वृद्धों की तो मैंने आपको पहले ही बात कर दी, 70-80 साल की उम्र हो गई फिर भी विकार अवस्था, तो जुआन है, वो कभी बुढ़ी होती ही नहीं। अभी जहां वृद्धों की बात आ गई, चलो एक टॉपिक और ये ले लेता हूं। वृद्ध किसको कहेंगे, किसको वृद्ध कहेंगे,